हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल सोनिया दुआ एंटरटेनमेंट में। आज हम बनाने जा रहे हैं चीज़ बटर मसाला और रुमाली रोटी। आइए आपको सिखाते हैं कैसे बनाते हैं। एक कढ़ाई में थोड़ा तेल गरम करके उसमें थोड़ी सी हींग डाल दीजिए। उसके बाद 5 से 6 काली मिर्च, लौंग और छोटा सा सिनेमन डाल दीजिए। ये थोड़ा सा गर्म हो जाए, आवाज से निकाल सकते। उसके बाद तो मैंने बोला अभी 2 से 3 प्याज इसमें ऐड कर दीजिए। रफी चॉप प्याज होने चाहिए। बस प्याज थोड़े से हो गए, अब इसमें लहसुन और अदरक थोड़ा थोड़ा डाल छोटा छोटा काट के डाल दीजिए और 7 से 8 काजू इसमें ऐड कर दीजिए। बस अब इसे चलाते रहिए थोड़ा। जब थोड़ा सा भून जाए तो इसमें टमाटर ऐड कर दीजिए। 3 टमाटर ऐड किए हैं मैंने। इसके बाद इसको थोड़ा चलाइए। और मैंने ये छोटे छोटे चीज क्यूब काट के रख दिए हैं। अब इसमें आप थोड़ा सा नमक ऐड कर दीजिए जिससे जल्दी कुक हो जाएगा। बस इसको चलाते रहिए। थोड़ी देर चलाएंगे तो इसमें से थोड़ा तेल छोड़ना शुरू कर देगा। बस इसको अब ये हो चुका है। इसको बस 2 मिनट चलाकर इसको आप साइड पे रख दीजिए ठंडा होने के लिए। बस गैस को बंद कर दीजिए और एक कढ़ाई में थोड़ा सा मैदा ले लीजिए और थोड़ा सा आटा मिक्स कर लीजिए, जितनी क्वांटिटी बराबर की भी ले सकते हैं। और इसमें थोड़ी अजवाइन और नमक स्वाद अनुसार डालिए और 2 चम्मच घी या तेल जो आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। बस इसको थोड़ा हाथ से मसलिए क्योंकि इसमें जो हमने घी डाला है वो मिक्स हो जाएगा। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाइए, जैसे आटा गूंदते हैं नॉर्मली वैसा ही गूंदना है। बस ये गूंद लीजिए। बस ये आटा हमारा गूंद गया है। इसमें थोड़ा सा आप घी और ऐड कर सकते हैं जिससे ये इसका टेक्सचर थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। ऑडियो निकालना हमको आया ही ना, तो इसको आप 15 से 20 मिनट एक जगह अलग करके रख दीजिए, कटोरी में डाल के या किसी में भी बॉल में डाल रख सकते हैं। ये साइड पे रख दीजिए और अब इसको मिक्सी के जार में हमको इसको पीस लीजिए। थोड़ा सा पतला, मतलब एकदम हमको बिल्कुल ऐसा टेक्सचर चाहिए। पीस के इसमें और कुछ नहीं डालना, तेल ऐड नहीं करना इसमें, सिंपल वो इसी कढ़ाई में डाल लीजिए और मिक्सी के जार से जो भी है उसका निकाल कर कढ़ाई में डाल दीजिए। बस इसको थोड़ी देर चलाते रहिए 2 मिनट के लिए। इसमें थोड़ी लाल मिर्च थोड़ी तीखी लाल मिर्च भी डाली है मैंने, ठीक है। हल्दी चुटकी भर, धनिया मसाला, गरम मसाला और ये पनीर मसाला भी डाल लीजिए। बस इसको थोड़ा चलाते रहिए 2 मिनट तक चलाते रहिए। अब इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर दीजिए क्योंकि मसाला बहुत थिक हो गया है, इसको थोड़ा पतला कर लीजिए। जितना लगे आपको कि जितने पानी की रिक्वायरमेंट है उससे। बस इसको 2 से 3 मिनट तक गैस पे रखिए और चलाते रहिए। इसको थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने ऐसे ही ऐड कर दी है। बस ये इसमें आप थोड़ी सी मलाई डाल लीजिए, 2 चम्मच मलाई इसमें ऐड कर दीजिए। अब इसको चला लीजिए मलाई और इसको मिक्सचर को इसमें मिक्स हो जाए जब तक पूरी तरह से। अब इसमें थोड़ा सा पानी
देख लीजिए थोड़ा पतला होना चाहिए, अभी थोड़ी देर गैस पे रखना है क्योंकि हमको इसको इसको थोड़ी देर ऐसे ही चलाते रहिए और पानी ऐड कर लीजिए अपने हिसाब से। इसका टेक्सचर ऐसा होना चाहिए जैसा आपको दिख रहा है, बस ये देख लीजिए। इसमें चीज़ क्यूब्स अपने ये मैंने थोड़ा दो चीज़ क्यूब्स लिए हैं छोटे वाले जो आते हैं उसको डाल दीजिए ऊपर। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है, ग्रेवी कितनी मतलब सुंदर दिख रही है। बस इसको एक बॉल में निकाल लीजिए आप, बॉल में निकाल कर थोड़ा ऊपर चीज ग्रेट कर देना है, इससे अच्छा दिखेगा, बहुत अच्छा दिखेगा दोस्तों, देखने में तो बहुत यमी लग रहा है। अब एक तरफ रुमाली रोटी हम बना रहे हैं, एक पेड़ा बनाकर उसको थोड़ा बेल लीजिए। जैसे सिंपल रोटी बनाते हैं बस ये थोड़ी पतली होनी चाहिए क्योंकि इसमें आटा भी है तो बहुत हेल्दी है, ये बिल्कुल नुकसान नहीं करेगी आप लोगों को। इसको पतला पतला जितना आपने पतला बेलना है बेल लीजिए, मेरे को इतने अच्छे नहीं लगती पतली रोटी बहुत, तो मैंने इसको थोड़ा सा बहुत पतला नहीं किया इसको मैंने। ये देखिए बस अब इसको तवे पर डाल दीजिए, थोड़ी सी हो जाए तो चाकू की हेल्प से इसमें छोटे छोटे छेद कर लीजिए क्योंकि फिर ये फूलेगी नहीं, नहीं तो दूसरी रोटी की तरह फूल जाएगी। बस इसमें थोड़ा तेल लगाइए एक साइड, अब दूसरी तरफ भी थोड़ा घी लगाइए, घी तेल आपको जो यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। बस दोनों तरफ से थोड़ी थोड़ी सिक गई, अब इसके ऊपर घी लगा के ऐसे फोल्ड करके कटर से काट लीजिए। ये देखिए दोस्तों खाके बताओ, इसका टेस्ट बहुत ही यमी है, बहुत ज्यादा। अब मेरी मम्मी आपको बताएंगी कैसा लगा उनको, मम्मी बताइए कैसा लगा आपको खाने में, खाके टेस्ट करके बताइए। लग तो रहा है मम्मी को अच्छा लगा है, पर देखते हैं और खाओ और खाओ। कैसा लगा खाने से पहले ही खुशी, खाने में देखो खाने में ध्यान अच्छा लगा, थैंक यू और खाओ ना।